आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 7 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजो रगत मकाम विद्धि तृष्णा संगा समुद भवाम तननी बधंती कौन्तेया कर्मा संगेणा देहीणाम। The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. जो mode of passion है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, जो होता है वो unlimited desires से होता है। जब मन में इच्छाएं होती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब आपके मन में ना वो एक पैशन पैदा होता है। ओ सन ऑफ कुंती मतलब अर्जुन को ये कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी इज बाउंड टू मटेरियल फ्रूटिव एक्शंस। इसीलिए जो हमारे जो लिविंग एंटिटी है वो और हमारा सोल एक साथ में मटेरियल एक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो फल की प्राप्ति मतलब फल मिले उसकी इच्छा रखते हैं, फ्रूटिव एक्शंस करते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी देखते हैं। द मोड ऑफ पैशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। वुमेन हैज अट्रैक्शन फॉर मैन एंड मैन हैज अट्रैक्शन फॉर वुमेन, वेरी ऑब्वियस। दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ पैशन, एंड व्हेन द मोड ऑफ पैशन इज इंक्रीज्ड वन डेवलप्स द हैंकरिंग फॉर मटीरियल एन्जॉयमेंट। तो मन में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि मर्दों को औरतों के प्रति अट्रैक्शन होता है, औरतों को मर्दों के प्रति अट्रैक्शन होता है, इसको हम पैशन बोलते हैं। जब ये पैशन ज़्यादा हो जाता है तब हम मटीरियल एन्जॉयमेंट के तरफ जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू enjoy sense gratification. For sense gratification, a man in the mode of passion wants some honor in society or in the nation. तो अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो आदमी होता है वो पैशन के मोड में कुछ ऑनर चाहता है। ही वॉन्ट्स अ हैप्पी फैमिली एंड अ नाइस चिल्ड्रन, अ वाइफ एंड अ हाउस। तो मन की इच्छाओं को, खुशियों को पूरा करने के लिए आदमी ये सारी चीज़ें चाहता है। दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ द मोड ऑफ पैशन। तो जब आप पैशन में रहते हो तो यही सारे इच्छाएँ आपके मन में एज अ बाई प्रोडक्ट जन्म लेता है। हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, राइट। As long as one is hankering after these things, जितना देर तक इंसान इन सब चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, he has to work very hard, तब तक उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। Therefore, it is clearly stated here that he becomes associated with the fruits of his activities and thus becomes bound by such activities. तो इसीलिए इसको क्लियरली हम स्टेट कर सकते हैं कि वो ये सारी चीज़ें पाने के लिए पागल होता रहता है और उसको पाने के लिए बहुत सारा मेहनत भी करता रहता है। In order to please his wife, children and society and to keep up his prestige, one has to work hard. तो अपने इच्छा, अपने wife, children, society सबके पास में अपने prestige को बना कर के रखने के लिए एक इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। Therefore, the whole material world is more or less in the mode of passion. Modern civilization is considered to be advanced in the standard of the mode of passion. Formerly, the advanced condition was considered to be in the mode of goodness. If there is no liberation for those in the mode of goodness, what to speak of those who are entangled in the mode of passion? तो यहाँ पे modern civilization यही consider करते हैं, consider to be advanced. Modern civilization यानी कि जो सभ्यता है वो mode of passion में काफ़ी advanced है, ठीक है। इन द स्टैंडर्ड ऑफ मोड ऑफ पैशन फॉर्मली द एडवांस कंडीशन वॉज कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस। जो एडवांस कंडीशन था वो गुडनेस के मोड में था। इन इफ देयर इज़ नो लिबरेशन फॉर दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस, जो सारे गुडनेस के मोड में है वो अगर मुक्त ना हो पाए, देन जो वॉट टू स्पीक फॉर दोज हु आर एंटेंगल्ड इन द मोड ऑफ पैशन। तो पैशन के मोड में जो फंसे हुए हैं उनके बारे में हम क्या ही बात करेंगे। तो जो सारे अच्छाई के मोड में या गुडनेस के मोड में रहते हैं, भगवान के नाम को जापते रहते हैं या फिर अच्छाई के मोड में रहते हैं, वो अगर नहीं मुक्त होंगे समस्याओं से तो जो पैशन के मोड में है वो कैसे हो पाएंगे। सो बोलने का मतलब यही है कि जो भी सारे लोग फंसे पड़े हैं वो सारे लोग भी गुडनेस के मोड में अगर आएंगे, भगवान का मंत्र जाप करेंगे, तो धीरे धीरे सारे समस्याओं से निकल ही जाएंगे, ठीक है। सो यही तक है श्लोक नंबर 7 ऑफ भगवद गीता चैप्टर
14 अगले दिन हम श्लोक, एक्चुअली सुबह हम श्लोक 8 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।